जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि यह सभी पिछले 53 दिन से नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज धरना प्रदर्शन में काफी भीड़ देखी गई। इस धरना प्रदर्शन में भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई, तो वहीं धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के संयोजक रामजीत पटेल का कहना है कि सरकार ने नहीं सुनी, इसी के चलते 27,000 पंचायत सहायक सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर पूरे परिवार के साथ शहीद स्मारक पर महापड़ाव के रूप में तब्दील हो गए हैं। 53-54 दिन में कई तरह के सरकार के साथ वार्ताओं के निमंत्रण दिए आए, लेकिन उन वार्ताओं की जरूरत नहीं थी। उसी की बदौलत सरकार को आनंद आनंद में कैबिनेट का मसौदा तैयार करना पड़ा। विधानसभा नहीं चल रही, जो बिल विधानसभा में पास होना है उस बिल की चर्चा सरकार तीसरी वर्षगांठ से पहले कहां चल रही थी। आपका सोच रहे आपका काम हो गया, अभी तो ये बिल विधानसभा में पास होगा, बिल लाया जाएगा। सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन इस लॉलीपॉप की खातिर आंदोलन को हम नहीं कुचल सकते। आप सब साथ बने रहेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार ने मेरी 15 तारीख की ड्यूटी 13 तारीख को लगा, जबकि अन्य पंचायत सहायक साथियों की ड्यूटी 12 तारीख को हो गई। 15 में जिन साथियों की ड्यूटी थी उनकी 9 तारीख को लग गई, लेकिन जैसे ही आपके मामला की घोषणा हुई नजर बंद ये कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी जेलों में ताकत नहीं जो रामजीत पटेल को बैठा सकते। इनकी जेलों के सरियों की ताकत नहीं है। सुन लीजिए खाकी वर्दी वालों, रामजीत पटेल की गिरेबान पर 53 दिन में आपने कितनी बार हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है 27,000 परिवारों का समूह है, 65 किलो वजन का अगर मशीन लगाएंगे तो आज 57 किलो वजन आएगा, 7 किलो 8 किलो वजन इन दिनों में कम।